नमस्कार पैलक, सातु आठु की बहुत बहुत शुभकामना। आज मैं अपनी बड़ी ननद के यहाँ सातु आठु के पूजन में आई हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और चलिए आपको मिलाते हैं, ये हैं हमारे गौरा महेश जिनकी आज पूजा की जाती है। आप सभी को पता है हमारी कुमाऊनी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति जो विविध जो सभ्यता और संस्कृतियों से भरा हुआ हमारा देश है उसकी एक झलक। और इसके बारे में आज बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे घर के बड़े हम लोगों के साथ हैं। यह है मेरी छोटी ननद, यह है मेरी बड़ी ननद जिनके घर में ये सेलिब्रेशन है। ये दोनों ने मिलके कंबाइन किया है। और साथ में हमारी चाची जी मतलब मेरी सास, और ये है मेरी सास, ये हमारी छोटी सी प्रिंसेस, और ये मेरी छोटी बहन यानी मेरी देवरानी, और ये है मेरी छोटी ननद, तो आज मझली ननद। तो आज आपको घर के जो दो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताएंगे कि ये सातु आठु क्यों मनाया जाता है। तो बताइए चाची जी, मम्मी जो भी बताएंगे। आज ये मछली का दिन है, ये गौरा महेश की पूजा होती है। बुजुर्गों से पहले से प्रथा चली आई है, और ये में सब लोग अपन खुश करनी, सब औरतें इकट्ठी होनी और सात ग्रंथ वाले ढोल हाथ में बांटनी, और मैं संताना निधि ले व्रत हूँ, सुहागा निधि ले व्रत हूँ, ये सातों आठों व्रत बुजुर्ग बटी चली सो पहली पितर बटी। अब हम हगिल का ये चलाते रहे, हमारे जो बाल बच्चे सब ये हगिल का इसकी प्रथा बढ़ाते रहे, और हम इसकी बातों में धन्यवाद देते हैं इनको सबको, ये खूब आगे को ये प्रथा बढ़ती रहे। चलिए हमारी माता जी सभी को आशीर्वाद दे रही हैं कि इस कुमाऊनी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, और इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है इन दोनों को जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से ये ऑर्गेनाइज किया है। देखिए आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गौरा महेश का, और इसमें बहुत बड़ा हाथ है मेरी देवरानी का जिसने ये बहुत ही खूबसूरत मुखौटे बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं क्रिएटिविटी कुमाऊं में है, और हम लोग भी हैं कुमाऊं का अंग, जो मुझे एक शौक है। तो साथ ही साथ मेरी छोटी बहन यानी मेरी देवरानी, उसने भी बहुत ही सुंदर गौरा महेश बनाए हैं, और साथ में जो हमारे घर का एक माइलस्टोन है हमारी बड़ी बहन यानी हमारी बड़ी दीदी, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत अच्छी झलक कुमाऊनी संस्कृति की। तो इनके साथ ही साथ भजन का आनंद लीजिए, और साथ में हमारी भजन सम्राट हैं, ये है हमारी भजन सम्राट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप देखिएगा और इंजॉय करिएगा सातु आठु के इस पर्व को, जो मैं अलग अलग पार्ट्स में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे कुमाऊनी कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। यही मेरी आशा है, यही कामना है, और यही हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। साथ में आप देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर जिसमें सारे देवी देवता हर पर्व पर हमको आशीर्वाद देते हैं, और साथ ही कल जन्माष्टमी है। तो आप देख सकते हैं कान्हा भी हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो चलिए एंजॉय करिए पूरे वीडियोस को अलग अलग पार्ट्स में, और इस कल्चर को आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए। ये हैं बाबा नीम करोली, और सबसे बड़ा नाम है श्री राम। थैंक यू, आप देखिए और एंजॉय करिए। मधु सहित दोनों जन सरकार ध्यान पंचा स्नान
Yeah.
पर्व है सातु आठू। ये हमारे कुमाऊं में या हमारे भारतीय जो परंपरा है उसमें अपना परिवार, अपना पति, अपना पुत्र, उसको बहुत महत्व दिया जाता है। तो इसमें भी गौरा शंकर की पूजा करके हर स्त्री अपने सौभाग्य की प्रार्थना करती है। और देखिए, जहाँ इतना अच्छा कल्चर हो वहाँ तो खुशियाँ अपने आप आएंगी। बहुत ही विविध संस्कृतियों से सजा हुआ है ये देश, और उसमें और अनूठी संस्कृति है हमारे उत्तराखंड की। मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे भगवान ने खुद ब खुद अपनी बड़ी बहनों से तो नवाजा ही था, साथ में जो मेरे हस्बैंड की बड़ी बहन है वो भी बहुत ही सलीकेदार, बहुत ही समझदार और बहुत ही प्यार से सराबोर। आप देख सकते हैं उनके घर में जो ये जयकारा हो रहा है गणेशा का, भोले का, वो खुद ब खुद समृद्धि को आमंत्रित करता है। तो चलिए, आज मुझे भी सौभाग्य मिला कि आप लोगों को दर्शन कराऊं गौरा महेश के और कुछ झलकियां दिखाऊं सातु आठु पर्व की। तो चलिए एंजॉय करिए। अब हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको इस पर्व की कुछ प्रमुख झलकियां और पूजन।